गाइस अस्सलाम वालेकुम। ये देखो क्या लिया मेरे हाथ में। आज दुखता था, ब्लॉग करती थी शूट, तो अभी ब्लॉगिंग का स्टिक ले लिया है। ठीक है, तो भी मुझे नहीं आ रहा है शूट करने के लिए। बताओ, इतने दिन से शूट कर रही हूँ लेकिन मुझे ब्लॉग शूट करने नहीं आ रहा है। देखो बैक कैमरे से करने नहीं आता। देखो ठीक है, आधा करती हूँ आधा मतलब रह जाता है। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल जो है कानर फैमिली ब्लॉग। ये देखो पूरा घर फैला हुआ आज, देखें पूरा मैस है, सब निकाला है देखो। और ये अलग परेशान है अपनी दुनिया में, नेट ही नहीं है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। फोन करो ना। हाई? वाईफाई वाले किया है, कंप्लेन डाला है, अभी तक आए क्या? कुछ नहीं, कुछ बोलते खराब हुआ है, देखो क्या होता है। पैसा बोले फिर वापस दो, एक दिन ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलना, तू ही बोल, फोन लगा डीएनए वाले को, कस्टमर केयर को लगा फोन जल्दी से। इसमें नो नेट, ओनली इंस्टा, बाकी कुछ काम का नहीं है। हाँ वैसे फोन आता जाता है तो बस हो गया ना, अल्लाह का शुक्र मान दिया तो है हम लोग ने फोन। हाँ नहीं तो गाइस इसका फोन देखो, गाइस दिखा कितना अच्छा फोन है ना बेचारी के पास। हाँ तो क्या, अच्छा ही है अभी फिलहाल, ठीक ही है। उसके पास बहुत अच्छा फ़ोन है गाइस उसका अभी। ये देखो ये मेरा फ़ोन था, ये जो मैंने फर्स्ट मेरे कमाई से ख़रीदा था, 40,000 का ये मैंने ख़रीदा था फर्स्ट फ़ोन। नोकिया का है, दिखा हैंग हो रहा है। रुक देखो, ये नोकिया का फ़ोन है जो मैंने इसको गिफ्ट दे दिया, ले जी ले अपनी जिंदगी। कुछ भी 100 साल पुराना फोन, 100 साल नहीं है हमारे मेरे जमाने में ना, पता है देखो भीड़े के जमाने की हमारे जमाने में समझी ना कैसा फोन रहता था, और डब्बा रहता था वो भी झुंझुना जैसे, इतना रे उसकी वॉल्यूम इतनी रहती थी ना, टन 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 बजता था। हम कीपैड वाला फोन था हम लोग के टाइम पे, तो स्मार्टफोन भी नहीं था। अब तू ये नहीं बोलना, ये बोलती कोयला, जो कोयले क्या बोलती है तू, कैसी ट्रेन चलती थी देख, पता नहीं है कौन सी, हम लोग को कौन सी सन की समझ रही है, मेरे को लगता है 50s की समझ रही है, पागल औलाद। बस चलो गाइस आज तो डैडा को कॉल आया नहीं आज की था, और आज का बारिश का क्या हाल है? आज चलते फिरते मतलब डैडा से फोन और काम से होते हैं। बेइज्जती काम चोरी है तू, बेइज्जती पूरे ब्लॉग में बोलती हूँ गाइस, ये काम चोर है। मैं इसका शेड्यूल बताती हूँ, शेड्यूल बताऊँ, ये आएगी स्कूल से, आएगी थोड़ा खाएगी, थोड़ा थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे तो वॉश कर ले, बर्तन हाँ चल थोड़े बहुत वॉश कर लेती, क्योंकि मैंने उसको बोला है कभी मतलब कुछ रहेगा तो किसी के भरोसे डिपेंड नहीं रहने का, अपना काम कर चल। हाँ, वो सब मैं की रहती हूँ, और मैं कहीं जाती हूँ कुछ काम रहता है तो करती है तू, ठीक है? हाँ दिखा तेरी शक्ल पड़ने वाली, 3 बजे मैं सोती हूँ। नहीं ये पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं है, अगर इसके मार्क्स कम आए तो यही स्टिक से उसका सर फोड़ दूंगी। इसके लिए मैंने स्टिक आज ढूंढ के निकाला है। मैं पढ़ती हूँ ये देखो ये देखो ये यहाँ घुमा, अब ये यहाँ घुमा, अच्छा ना स्टिक कितना। ए तू मेरे फोन को हाथ मत ला, डोंट टच माय स्टिक्स। फीजा आ रहा है बराबर, थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, सीधा हुआ हुआ। मुझे पकड़ दे दो, क्या मालूम कौन से एंगल से शूट, कब मैं सीखूं। ए रुक रुक, गिर जाएगा फोन, फोन गिर जाएगा, रोटेट हुआ हमारे पास पूरे घर में मतलब अभी आजकल तो ऐसा लगता है आईफोन है तो क्या ही, अब हमारे पास लोग इतना अमीर की समझते हैं अपने आप को, कोई अमीर नहीं है गाइस, सब इंस्टा से आईफोन लिए मतलब उसको। हाँ देखो उसका धुला, देखो गाइस हाँ कर कर कर, नहीं कर 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 ना, बड़ी फोन तोड़ दे,
तोड़ दे, तेरे को कहाँ जमा करके आऊंगी समझ जाना, तो फोन ही तोड़ दे मेरा, मेरे को धमकी देता रहता है फोन तोड़ दूंगा। स्कूल देख भूखा आया है, चलो चलो देखने। पूरा घर फैला लिटरली, सब पीटी यूनिफॉर्म में, सब मुझे वो करना है अभी, फिर काम का नहीं है ये सब। आज सोची सब जो पहले की यूनिफॉर्म में सब निकाल दो। हाँ निकाल दो, हाँ इसकी बुक्स, हाँ देख ना थैली, देख ना मेरी फट गई है। गाइस देखो आज मेरा हसन ब्लॉग शूट कर रहा है, और मम्मा क्या बना रही है हसन? रोटी। रोटी नहीं बना रही है, इवनिंग के लिए स्नैक्स की तैयारी कर रही है। अच्छा ठीक है। क्या वाहत दुख रहा है हसन का? सो लाओ मैं दिखाऊं। देखो ठीक है। सो ये मैंने मैदा लिया है, इसमें अजवाइन डाला है और थोड़ा ज़ीरा डाला है, कलौजी डाला है, नमक डाला है और घी डाला है, इसको बाइंड कर लिया है। फिर इसको आपको ऐसा बेलना है, और इसमें है घी और आटा, उसको मिक्स करना है ठीक है। और ये खस्ता बोलते हैं ना जो स्नैक्स के लिए खाते हैं वो है ठीक है, मैं बताती हूँ। इसको आपको बेल के फिर ये लगाना है उस पर, फिर उसके बाद दूसरी रोटी बेल के इस पर लगाना है, फिर मैं दिखाती हूँ आगे का। पकड़ो ऐसे, पकड़ो हसन। एंड मेरा हसन ब्लॉग शूट कर रहा है मेरा, बिकॉज कोई है नहीं शूटिंग के लिए। गिराना नहीं फोन है बाबू, इधर इधर दिखाओ बाबू। देखो देखो ठीक है, इसको बेल लिए, इसको भी ऐसे इसके ऊपर लेप जैसा लगाना है ठीक है। बारिश का मौसम है देख, सो आपको पता है। फिर ये वाला इसके ऊपर रखना है ठीक है, फिर इसको आपको ऐसा रोल करना है। देखो देखो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। फिर इसको क्या करना है सर? यार इसको मोड़ना है, मोड़ना है ठीक है, ये ऐसे रोल करना है, रोल बनाए। हाँ अभी इसके बाद इसको मोड़ना है, ये ऐसे रोल कर लिया आपने, फिर इसको ऐसा कट कर देना है। कट किए फिर ये फोक है, इसको ऐसा आपको दबा देना ठीक है। एक बन गया, हाँ इसको कट प्रॉपर करो, इसको ऐसा प्रेस करना है जोर से। कट बराबर है लेकिन आप लोग कट कर लेना, ये चाकू धार लेना, सो इसको ऐसे बना लेना ठीक है। है ना हसन? हाँ। इसको ऐसे जोर से प्रेस करना है, जोर से। तो गाइस मैं बड़ी शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी है आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ जो हमारे आस पड़ोस के लोग देखते हैं। तो देखिए ये बन गया है, ठीक है। ये तेल तो हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, फिर इसको इसमें, ये पका हुआ है अम्मी? नहीं बेटा अभी कच्चा है, डालू इसके अंदर? नहीं मैं डाल रही हूँ आपको, और इसमें डाल देना, फिर बन जाएगा। बन जाएगा, क्या बनेगा सर? वो मोमोस। मोमोस मतलब फ्राई करो दोनों ने, मीडियम आंच पे करो गाइस, ज्यादा फास्ट आंच पे नहीं करना। ये आप चाय के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करना। करो देखो, मैं हसन को सिखा रही हूँ अभी। हसन पकड़ो, वेरी गुड, दबाओ जोर से, वेरी गुड, वेरी गुड हसन। इसको दबाओ, इसको दबाओ, जोर से दबाओ, ठीक है, वेरी गुड। इसको भी दबाओ, अरे वाह हसन,
थोड़ा जोर से प्रेस करो, तुमने हल्लू से प्रेस किया ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा ऐसा, ठीक है, हो गया, हाँ हो गया। और इसको इसमें डाल दो, डाल दो, हाँ बन गया हमारा। और बचा है? और है थोड़ा और, अभी वो भी बना लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए गाइस, बन गया, एकदम गरम है, बहुत कुरकुरे है, कुरकुरे कुरकुरे बन गया। अब इसको प्रेस करूं, ओ नमस बन गया गाइस, ये आप ट्राई करो। अब मैं इसको प्रेस करूं, फ्रेंड्स इसको मीडियम ही आंच पे पकाओ, ठीक है, फास्ट पे मत पकाना नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। ये देखो कितना प्यारा बना है गाइस, मेरा दिखाऊंगा अभी, मेरा बनना अलग है, ठीक है, तो प्लीज ट्राई करना, ये बरसात में चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। गाइस देखो मेरा, हाँ, ये भी बना है मेरा एकदम वेरी गुड सर, वेरी गुड, अच्छा लगता है। सो जो हमारे चैनल फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बारिश भी हो रही है आज, दोपहर के बच्चों को ऑफ दे दिया स्कूल में, मैंने बोला थोड़ा सा बच्चे लोग को बना देते हैं स्नैक्स, अब इसके बाद देखेंगे, बोलेंगे मैं रहता हूँ तो कुछ बनाती नहीं है, बनाती है इन द सेंस ऐसे सब बनाती नहीं है। मैं इतना बारिश में स्कूल गई थी, इतना भीग गई थी ना, आप यकीन नहीं करो, ठंडी लग रही थी मुझे एकदम। ये बैकग्राउंड में सर, वेरी गुड वेरी गुड, दादी को बुला लाओ, दादी को बोलेगी इतना अच्छा बना है, अच्छा बना है ना, मम्मी बोला झूठ मत बोलना। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने का, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, ये सब के लिए फुर्सत चाहिए, बस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ब्राउन होने के लिए इसको टाइम लगता है। वो एक ये अलग टेक्निक है, ठीक है, इसको ऐसा रखने का, अपने इसको थोड़ा सा दबाने का, ठीक है, और फिर प्रेस करने का, ठीक है, ये भी ये अलग है थोड़ा सा, ये देखो ये ऐसा दिखेगा, फिर इसको थोड़ा दबाने का, फिर प्रेस ही बनाना, प्रेस करो सर, ठीक है, इजी है गाइस, ट्राई कर लेना, और अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कैसा बना, आप लोग का कैसा बना, मेरा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। करो मैं ये अभी खाए, करो हसन ने टेस्ट किया, गरम था तो छोड़ दिया, तो बहुत कुरकुरी बनती है। पानी बरस रहा है जिसका कोई हद नहीं, लगता है बादल में छेद हो गया है। सो फ्रेंड्स देखो, हसन को इतना वर्क मिल गया है कि कुछ लिख रहा है हाथ से और दुख रहा है पैर है उसका गाइस। और मैं क्या जा रही हूँ बनाने, मैं क्या बनाई हूँ आपको, अभी तो आपने देखा था दुख रहा है, मैंने क्या बनाया है, चिकन फ्राई, बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे चिकन मम्मी चिकन फ्राई कर दो, ये मैंने ना हैदराबादी चिकन फ्राई किया, ठीक है, हैदराबादी स्टाइल का चिकन फ्राई किया है, और सुबह से इतनी बारिश थी कि मैंने बोल चुकी गाइस, रेसिपी नहीं शूट करूँगी, नहीं बताऊँगी, जब चाहिए रहेगा बता दूँगी, ठीक है, शूट नहीं किया है मैंने रेसिपी, तो मेरा फ़ोन चार्जिंग में था, तो ये देखो माशाल्लाह, इसको बोलते हैं हैदराबादी चिकन बटी फ्राई, ठीक है, आओ खाने के लिए, लेकिन अपने अपने घर में उठाओ, बिस्मिल्लाह बोलो, यहाँ नज़र मत लगाओ, ठीक है, और जिसको चाहिए रेसिपी तो वो कमेंट कर दे, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सो गाइस, ठीक है, और आज का
व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक्चुअली मेरे आप पे ही लग रहा है फ्लैश लाइट। सो आज जैसे आपको पता था, अभी कल से हसन का स्कूल भी स्टार्ट स्कूल जाएगा और फिजा का तो टेंथ का चल ही रहा है। इसके अब्बा की याद आ रही है, चिकन फ्राई हो रहा है ना, तो बनता था ना, तो खड़े रहते थे खाने के लिए और मैं चिल्लाती थी उनको। मैं डैडा को चिल्लाती थी ना, चिकन फ्राई होता था तो वो गरम गरम ऐसा देखिए खाते थे। मेरा मतलब इसके लिए चिल्लाती थी, मैं इसके लिए चिल्लाती थी कि मतलब बनाने के वक्त खाने का नहीं खाने। मेरा एक रहता था कि बनाने के वक्त मत खाओ, ठीक है, और उनकी आदत थी और वो मेरे को हमेशा सिखाते थे। तो ये माशाल्लाह हमारा चाय हो गया, मैंने खा दिया। क्या हो गया? गुस्सा, कुरकुरे के ऊपर पानी पी रही है। हाँ तो पीने दो मम्मा, पीने दो। देख तो पीछे से कैसे खा रही है जा। एकदम रेड रेड। ठीक है, सो टेक केयर और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर, घंटी भी बजा देना, घंटी भी बजा देना, बेल आइकन को बजा देना। और जो जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में गिव अवे करूंगी, ठीक है। जितना जो कमेंट करेगा उसको 500 दूंगी। ओह अच्छा, हाँ गंदा नहीं ये, उनके मतलब जो कमेंट बॉक्स पे आएगा ना मेरे, मैं उसको दूंगी। और जीपे नंबर भी आपको सेंड करना पता है। किसको किसको? डैडा को, डैडा ही भेज सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन मुझे सबसे ज़्यादा इस ब्लॉग पे कमेंट करता है, सॉरी इस ब्लॉग पे किसका सबसे ज़्यादा कमेंट आता है और मैं किसको 500 दूंगी, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। सो फटाफट ये ब्लॉग को देखो और कमेंट करो और 500 जीतो। तो यार थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। जो है बोल रहे कि चैलेंज करो, चैलेंज